ये घर की बनी हुई बढ़िया फर्स्ट क्लास पालक पनीर, ये रही शत्रुघ्न जी की प्लेट, और ये रही गर्मा गर्म रोटी, चावल, प्याज और हरा मिर्च। हमेशा की तरीके से भाई इसे भाभी माँ ने ही बनाया है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चलिए शत्रुघ्न जी, बढ़िया देसी घी वगैरह लगी टनाटन ना। अब इसको ऐसे निकाला जाए, ये ऊपर से देसी घी डाला गया है इसमें भी, और पनीर को जो है हल्के से जो है हल्का फ्राई भी किया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं, एक तो दिखाता हूँ मैं, ये देखिए बढ़िया, देखा एकदम गाढ़ा बढ़िया बना भी है, और यहीं से खुशबू बढ़िया आ रही है। ये निकाल लिया, और ये रहा रोटी, ये इसको रख लेते हैं ऐसे। ये सॉफ्ट एकदम पनीर बढ़िया, नंबर वन शत्रुघ्न जी पूछ रहे हैं, स्वाद तो इतना नंबर वन है। अब पनीर इतनी सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट है, उठाए से भी टूट रही है ये। और ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है, फुल मजा आने वाला है। देसी घी भरपूर बोल रहा है। मजा आ गया, वाह दोस्तों। भाई 22 जनवरी को कल इतना बड़ा भाई महोत्सव है, उसकी शुभकामनाएं भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। आप सभी को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी अयोध्या में होने वाले प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर प्रभु श्री राम आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें और भारत खूब तरक्की करे। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारी कॉलोनी में उत्सव मनाया जा रहा है। कल भाई हमारी गली में सुंदरकांड का पाठ शाम को और भंडारा वगैरह है। ऐसे मैं एक रोटी खाता हूँ, इतना बढ़िया लग रहा है कि आज दो खा रहा हूँ। खाता वैसे एक ही हूँ मैं, अच्छे से फ्राई किया है, मजा आ रहा है देख करके। ये वैसे रख टेस्टी है भी, देखा ऑल इन है या तो ऑल इन बस। हम दो ही रोटी खाते हैं मगर इतनी अच्छी बनी सब्जी, तो ऑटोमेटिक तीसरी खाने का मन हो रहा है।
हमारे मंथन जी सजावट करवा रहे हैं बाहर, प्रभु राम को जो आना है। आज मंथन जी पूरा बाहर से झंडी वगैरह लगवा रहे हैं, खानों पहले खा के निकल गए, सभी लोग उसी में व्यस्त हैं। ये बढ़िया से सान लेते हैं पाव मिलाने के लिए भी। ये फुल मजा, होटल में इतनी अच्छी सब्जी नहीं मिलेगी जितनी टेस्टी बनी है, दिल से निकलता है, स्वादिष्ट है भाई। वाह, ये पनीर के पीसे से बड़ी बड़ी इसे बढ़िया से फोड़ के मिला देते हैं इसमें, फिर खाने मजा आएगा। मेरे चावल ऐसे इसको पूरा ऐसे निकालते हैं कायदे से। एकदम जो है फ्लफी जो है ग्रेवी बनी है, क्रीमी या बिना चाटे मुझे मजा नहीं आता। वाह, सान लेते हैं हल्के से बढ़िया। राइस तो बहुत अच्छा है, एक एक दाना अलग हो रहा है ना। यो सही है,
हरियाणा में बहुत टेस्टी बना है, हम कभी अंगूनी चाट के खाना नहीं खाते। पेट भर गया मगर स्वाद इतना अच्छा है कि लग रहा है कि और खाओ। मजा आ गया पालक पनीर खा करके, भाभी माँ ने रियली एकदम नंबर वन बनाया, नंबर वन। ये लिया ऐसे भाई, उंगली चाटे बिना स्वादिष्ट है भाई, कैसे हो सकता है। स्वादिष्ट है भाई।